ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक क्लास फाइव सनसाइन टेक्सट बुक सोल्यूशन यू आर वेलकम यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट क्लास फाइव इंग्लिश ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक हेलो चिल्ड्रन वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल दियर स्टूडेंट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो लेट स्टार्ट दीडियो बच्चों आप देख रहे हैं आज हम ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक ये सनसाइन टेक्स्ट बुक क्लास फाइव का है जो आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसी का आज हम अध्ययन करेंगे इस पोएम को देखेंगे इस पोएम में क्या लिखा हुआ है बच्चों पोएम मैंने जानते हैं क्या होता है आप कमेंट में अवश्य बताएंगे कि पोएम का मतलब क्या होता है चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं बच्चों आप देख रहे हैं ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक का मतलब होता है एक अंधा बच्चा बोलता है यानी अंधा बच्चा किसको कहता है जिसको आंख रहता है क्या नहीं जिसको आंख से दिखाई नहीं देता है उसे ब्लाइंड चाइल्ड करते हैं उसको अंधा बच्चा कहते हैं और वही अंधे बच्चे की ये कविता दी हुई है यानी उसको किस तरह से महसूस होता है अपने प्रकृति के बारे में वो क्या महसूस करते हैं कैसे महसूस करते हैं वो कैसे देखते हैं इसी कविता के माध्यम से हम सीखेंगे आइए क्लास को आगे करते हैं क्या लिखा है डू यू नाव क्या आप जानते हैं तो सम पीपल कैन रिगोजनाइज अदर पीपुल थ्रो देयर टच एंड स्मेल हैव यू एवर सीन सच पीपल इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग दूसरे लोगों को अपने स्पर्श से पहचान सकते हैं और क्या कहते हैं आपने कभी ऐसे लोगों को देखे हैं हाउ डू यू थिंक दे डू इट क्या ऐसे चीज़ों को आप देखे हैं रीड टू नाउ वाट ए बॉय थिंक अबाउट इट कहता आइए इस कविता के माध्यम से हम ऐसे ही एक लड़के के बारे में हम सोचेंगे देखते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से अपनी व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करता है आइए पोएम में आते हैं कविता में आते हैं और देखते हैं यहाँ लिखा है रीड एंड एंजॉय पढ़िए और आनंद लीजिए पढ़िए और खुशी मनाइए इंजॉय से पढ़िए बच्चों जब कविता को पढ़ते हैं जब आपको घर में मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आपको बहुत गुस्सा लगता होगा है ना तो आप कहते हैं कि दाल मर दो दाल मर दो तो मम्मी धमकाती है तो पापा दो टका दे देता है दस सौ टका देता है तो आप लोग खुश हो जाते हैं है कि नहीं तो इस तरह तो कविता हम पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं कि अंदर में कुछ गुस्सा हो तो वो गुस्सा खत्म हो जाता है तो बच्चों आज वही एक कविता लेके आए हैं कि एक अंधे बच्चे किस तरह से बोलते हैं आइए आप सुने ध्यान से सुने पहले कविता को पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे लिखा है आई माई नॉट सी द वे यू डू विथ आई टू ब्राइट एंड क्विक बट आई नो वेयर फ्लावर्स अबाउट एंड वेयर द ग्रास ग्रो थि आई नो इफ यू आर काइंड ए लिटिल एंड आई नो इफ यू आर टॉल और आई कैन सी मैनी थिंग्स यू माई नॉट सी एट ऑल

क्या समझा जब बच्चे इसको पढ़ते हैं समझते नहीं हैं तो वो क्या कहते हैं हाँ, हमारा समझे में नहीं आता है हम कैसे पढ़ेगा अरे भाई आप लोग घबरा जाते हैं ना धीरे धीरे जैसे गाना गाते हैं ना उसी तरह गाना के माध्यम से इसको जब बोलेंगे तो आपको अच्छी तरह सीख जाएंगे तो ये बच्चा कहता है इसमें कि हम प्रकृति के बारे में हम देख नहीं सकते हैं हम कान से सुन सकते हैं हाथ से महसूस कर सकते हैं एक घास के बारे में भी सोचते हैं तो वो कैसे है उसको हम हाथ से अपना स्पर्श करके उसको हम देखते हैं या कोई वस्तु बड़ा है कोई वस्तु छोटा है तो हम कैसे देखेंगे हम देख नहीं पाते हैं तो वो हम महसूस करते हैं तो ब्लाइंड चाइल्ड जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हैं लेकिन वो वो पढ़ लेते हैं बच्चों आप कमेंट में बताएंगे कि अंधे लड़के जब आंख उसको नहीं होता है तो वो कैसे पढ़ते हैं आप कमेंट में अवश्य बताएंगे मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि अंधे बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं आपको बताना है चलिए क्लास को आगे करते हैं तो इस तरह बच्चों आप देखें इस कविता में कि किस तरह से अंधे बच्चे महसूस करके अपने आप को एक्टिविटी करते हैं और निहा से अपने आप को संपर्क बनाकर दिनचर्या को पालन करते हैं आइए क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है रीड एंड फाइन लिखें और सोचें सोचें और लिखें क्या है आंसर दीज क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर दें ये लिखा आंसर दीज क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर दें तो कैसे प्रश्नों के उत्तर देंगे आइए पहले थोड़ा सा बच्चों समझ लीजिए किस तरह से इसको बनाते हैं किस तरह से इसको किया जाएगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या क्वेश्चन लिखा है हु इज द स्पीकर इन द पोएम तो कविता में वक्ता कौन है यानी इस कविता के मूल पात्र कौन है वो कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन है वट डज़ द चाइल्ड यूज फॉर आइज बच्चा आँखों के लिए क्या प्रयोग करता है दो तो नंबर तीन नंबर में है हाउ डज द चाइल्ड सी तो इसका बच्चों अर्थ क्या हुआ बच्चा कैसे देखता है हाउ डज द चाइल्ड सी चार नंबर में है वाई वाज गॉड मेड हिम लाइक दिस तो इसका अर्थ क्या हुआ भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया है पाँच नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आपके पास है हाउ डज द चाइल्ड फील बच्चा कैसा महसूस करता है तो इस तरह आपको हिंदी में बता दिए कि इसका आंसर क्या होता है क्या इसका अर्थ हुआ आइए आंसर क्वेश्चन करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी क्लास को कंटिन्यू जारी रखें बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक का मतलब है एक अंधा बच्चा बोलता है क्या बोलता है देखें उसको आंसर दीज क्वेश्चन इन प्रश्नों के उत्तर दें इसका मतलब यही हुआ इन प्रश्नों के उत्तर दें आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हु इज द स्पीकर इन द पोएम तो इसका अर्थ क्या हुआ कविता में वक्ता कौन है और आंसर इसका लिखेंगे द ब्लाइंड चाइल्ड इज द स्पीकर इन दिस पोएम अर्थ इसका क्या हुआ अंधा बच्चा इस कविता का वक्ता है या मुख्य पात्र है इस तरह से बच्चों इसको लिखेंगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है वाट डाज द चाइल्ड यूज फॉर आई बच्चा आंखों के लिए क्या क्या प्रयोग करता है आंसर आप देख रहे हैं द चाइल्ड यूज एज ईयर्स एंड हैंड्स फॉर हिज आई तो बच्चा अपनी आँखों के लिए अपने कानों और हाथों का उपयोग करता है तो क्या प्रयोग करता है तो वह आँख से देखता है कान से भी सुनता है और हाथ से वो किसी चीज़ को स्पर्श करता है थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं हाउ डज द चाइल्ड सी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चा कैसे देखते हैं तो आंसर आपको देखनी चाहिए द चाइल्ड सी थ्रू हिज ईयर्स एंड Hence, वो कैसे देखते हैं कान से भी सुनते हैं हाथ से स्पर्श करते हैं लेकिन आँख से उसे दिखाई नहीं देता है बच्चों चौथा क्वेश्चन को आप देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है हुआ हैज गोड गॉड मेड हिम लाइक दिस अर्थ क्या हो गया इसका भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया है आंसर आप देखेंगे द गॉड हैज मेड हिम लाइक दिस सो दैट ही मैनी फील अदर्स इमोशन तो इसका हिंदी में अर्थ देख लीजिए बच्चों भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि ताकि वह दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सके उसके बाद देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्वेश्चन पाँच नंबर है हाउ डज द चाइल्ड फील बच्चा कैसा महसूस करता है तो लिखेंगे बच्चों इसका आंसर लिख रहे हैं द चाइल्ड फील हिम सेल्फ ब्लिस्ड तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चा खुद को धन्य महसूस करता है कि हम जैसे भी हैं हम बहुत अच्छे हैं हमें कठिन लग लगन से हमें अथक परिश्रम करनी चाहिए जो कि हमें जीवन में सफलता मिल सकती है बच्चों ये एक अंधापन बच्चे की कविता थी ये आपकी अपनी दिनचर्या की वो अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे तो आपने इस प्रश्न उत्तर को देखा समझा आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे बच्चों आप बी नंबर में देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है बी नंबर में लिखा गया द रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम पोएम में जो आपका रैमिंग वर्ड आया है तो उसी को लिखेंगे क्या लिखेंगे क्विक का लिखेंगे थिक ऑल का लिखेंगे टॉल सी का लिखेंगे मी और दिस का लिखेंगे मिस और मे का लिखेंगे वे ये आपके पोएम में रेमिंग वर्ड दिया हुआ है उसी को आपको लिखना था उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सी नंबर में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे और ये सेंटेंस को कम्प्लीट पूरा कर लेंगे डी नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख रहे हैं राइट यस फॉर द करेक्ट एंड नो फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर ये सेंटेंस सही है तो यस लिखिए अगर ये सेंटेंस गलत है तो नॉ लिखिए यानी फॉल्स लिखिए यही इसमें कह रहा है तो लिखेंगे द चाइल्ड द पोएम इज ब्लाइंड क्या इस कविता में एक ब्लाइंड बच्चे की कविता के बारे में बताया गया हाँ बताया गया ये आपका ट्रू होगा दो नंबर में लिखा है द चाइल्ड डज नॉट नो इफ़ यू आर लिटिल ईयर टॉल ये आपका फॉल्स होगा और तीन नंबर में लिखा है द चाइल्ड यूज ईयर हैंड्स फॉर आइज हाँ इसका प्रयोग तो करता है तो आँख और हाथ का वो प्रयोग करते हैं जिससे वो अपना दिनचर्या को काम करते हैं ये आपका सही होगा चार नंबर में द चाइल्ड लिसन हार्ड एंड थाउ जेंटली ये आपका ट्रू हो जाएगा और पाँच नंबर में क्वेश्चन को देखने गॉड हैज ए रीजन टू मेक एवरी वन स्पेशल यस ये आपका सही हो जाएगा बच्चों इस तरह से आपने एक कविता को देखे क्वेश्चन आंसर को देखे आपको कैसा महसूस हुआ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन अवश्य करें क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को जितना चाहे शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों को यथाशीघ्र से उसे भी जोड़ते चलें क्योंकि जब तक क्लास में अधिक बच्चे नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते चलें सवाल का जवाब हम आपको देते रहेंगे लेकिन आप मन लगाकर पढ़ाई करें क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे वीडियो को अंत तक देखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो